कैसे हैं आप? जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि थंबनेल से ही मालूम पड़ता है, किलोग्राम वह डेसीग्राम में क्या फर्क है? तो हम देखते हैं कि एक किलो ग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम बराबर 10 डेसी ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम बराबर 10 डेसी ग्राम होते हैं। और अब हम देखते हैं 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम गुणा 10 डेसी ग्राम बराबर 10000 डेसी ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10000 डेसी ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 10000 डेसी ग्राम होते हैं, यानी 1 किलोग्राम 1 डेसी ग्राम से 10000 गुना अधिक होता है, अधिक होता है। और 1 डेसी ग्राम 1 किलोग्राम से 10000 गुना कम होता है। तो यही एक फर्क रहता है डेसीग्राम और किलोग्राम में। चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं, तो जब 1 किलोग्राम के 1000 ग्राम को 10 डेसीग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 डेसीग्राम आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम में 10000 डेसीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम 1 डेसीग्राम से 10000 गुना अधिक होता है। और 1 डेसीग्राम 1 किलोग्राम से 10000 गुना कम होता है। तो 1 डेसीग्राम और 1 किलोग्राम में यही फर्क होता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।